वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका गार्डनर बॉय आप लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अभी वीडियो शुरू होने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे की वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है ना कि आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूल जाएंगे। तो आज की वीडियो हमारी है जो जितने बागवानी करते हैं, जैसे कुछ लोग अपने टेरेस गार्डन पे प्लांट लगाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं, और जिन पे टेरेस गार्डन नहीं होता वो अपनी बालकनी में फूल लगाते हैं, तरह तरह के पौधे या फिर वेजिटेबल्स लगा के अपना जो गार्डनिंग का शौक होता वो पूरा करते हैं। तो हम जितने भी बागवानी वाले गार्डनर लवर हैं तो उनको एक परेशानी आती है कि अगर उन्हें सीड लेने हो या फिर गार्डनिंग का कोई फर्टिलाइजर या लिक्विड खाद या बोन मील नीम खली, ये हर जगह हर नर्सरी पे अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ कापासेड़ा चौक, जहाँ पे है शिवम खाद बीज भंडार। तो ये एक ऐसी दुकान है जहाँ पे आपको लगभग गार्डनिंग का सारा सामान मिल जाएगा, और वो भी बहुत ही अच्छे रेट पे, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है। मैं अपना जितना भी अपने टेरेस गार्डन पे बागवानी करता हूँ, सीड लेता हूँ या सीजन सीड जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट वगैरह, ये सब मैं इसी दुकान से लेता हूँ। तो जो भी लोग हमारे दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के NCR के आसपास, तो वो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और यहाँ से अपने मनपसंद जो भी टूल है और जो आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा उस तरह के आप प्रोडक्ट यहाँ से ले सकते हैं। और कोई किसान भाई अगर इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी अपने किसानी के लिए, अपने खेत के लिए यहाँ से कई सामान ले सकता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और हाँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाली वीडियो हमारी मिस ना कर सके इसी तरह की। अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो यहाँ से शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको बाहर सीडलिंग देखने को मिल जाएगी। अभी हम डिटेल में आपको दिखाएंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ बाहर जब आप देखते हैं तो यहाँ आपको सीडलिंग मिल जाती है, और सामने रोड है, देख सकते हैं। और इधर स्टार्टिंग करते हैं तो इधर हमारे को ग्रीन नेट देखने को मिल जाती है, जो कि अलग अलग प्राइस में आपको देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे क्वालिटी की यहाँ दो तरह की ग्रीन नेट है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इस तरह के पोर्ट भी देखने को मिल जाएंगे जो कि सब्जियाँ लगाने के काम आते हैं, और ये हैंगिंग पोर्ट के लिए होती है। ये नारियल के रेशों से तैयार की गई है, तो आप देख सकते हैं, और काफ़ी सस्ते रेट पर यहाँ पर आपको ये मिल जाती है। और फिर हम ये देखते हैं यहाँ पे ये प्लेटें हमें देखने को मिलेंगी। ये प्लेटें जब हमारे गमले जो होते हैं फर्श पे, जब हम पानी डालते हैं तो गमलों से मिट्टी निकलती है और पानी भी ड्रेन आउट होता है, तो हमारी फ़र्श गंदी हो जाती है। उसके लिए इस तरह की आप प्लेटें यहाँ से ले जा सकते हैं, जो कि हर गमले के साइज के हिसाब से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अब हम चलेंगे दुकान के अंदर, तो उससे पहले आप देख लीजिए इस तरह के यहाँ पे आपको गमले देखने को मिल जाएंगे, जो कि अगर आप ड्राइंग रूम और अपने रूम के लिए लेना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे ईजली मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के गमले हैं, कलरफुल गमले आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे छोटे से छोटे साइज़ के भी आपको गमले मिल जाएंगे। और अगर आप बड़े साइज़ का गमला लेना चाहते हैं तो वो भी गमले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीडलिंग ट्रे भी आपको मिल जाएगी, जो कि ज़्यादा नर्सरियों पे नहीं मिलती है। और यहाँ पे आपको फिर इधर आपको दिखाते हैं, ये हैं छोटे टाइप के गमले, तो अभी दिखाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे 20-25 रुपये में आपको देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग रेट हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कीटनाशक भी लगभग सारे तरह के मिल जाएंगे, और साफ का फंगीसाइड भी आपको देखने को मिल जाएगा। हम ऑनलाइन लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चार्ज लग जाता है घर तक आने का, तो आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। अगर आपके प्लांट में किसी तरह की बीमारी है तो वो अगर आप यहाँ पे बताते हैं तो आपको उसकी दवा मिल जाएगी।
और इधर देख सकते हैं ये एमरेलस लिली और काफ़ी जो फ्लावरिंग प्लांट के ट्यूबर हैं। और इधर हम देखते हैं तो इधर आपको गार्डन अगर आपका है तो आप उसके लिए भी यहाँ ट्यूल ले सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो केमिकल होते हैं हम अपने गमले के लिए यूज करते हैं वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जब हमको अच्छी फ्लावरिंग लेनी होती है तो इस तरह के एनपीके, जिंक, पोटास, इस तरह की हम चीज़ें यूज करते हैं। जो नर्सरियों पे भी हम ज़्यादा फ्लावरिंग देखते हैं तो इन्हीं चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि एनपीके 19-19-20-20 इस तरह के। और फिर आप यहाँ देख सकते हैं नीम ऑयल आपको मिल जाएगा यहाँ पे कई तरह की जो कंपनियाँ होती हैं। फिर इधर दीमक के लिए आप देख सकते हैं, अगर दीमक भी आप परेशान दीमक से रहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे मेडिसिन है। और फिर ये देखिए ये सीवेड है जो कि एक समुद्री घास होती है, उसका लिक्विड है। अगर आप ऑर्गेनिक में जाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपने कई यूट्यूब पे वीडियो देखी होंगी जिनमें इसमें लिक्विड खाद डालते हैं, तो वो आपको यहाँ पे छोटी बोतल भी मिल जाएगी और बड़ी भी बोतल मिल जाएगी। और एक आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखाते हैं जो कि अक्सर हम लोग ढूंढते हैं, ये है एक पाउडर है रूटिंग हार्मोन जिसे कहते हैं। ये जब हम कोई कटिंग लगाते हैं, हमारी कटिंग ग्रोइंग जो नहीं हो पाती है, अगर इसको लेके लगाते हैं तो उसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, जो कि 35 रुपये इसकी MRP है। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो ये है गेंदे मेरीगोल्ड, तो ये आपको पैकेट देखने को मिलेगा, पर ये सर्दियों का है तो इनकी जो फ्लावरिंग है वो सर्दियों में। और यहाँ पर आपको हर किस्म के जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप जिस मौसम में आएंगे उस मौसम के आपको यहाँ पे जो सीजन वाले फ्लावरिंग होती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे और भी दिखाते हैं आपको कुछ पैकेट, तो ये देखिए ये है कोचिया, तो ये भी आपको सीड देखने को मिल जाएंगे। फ़िलहाल अगर आप जब गर्मियों के प्लांट लगाने हैं तो आप फरवरी के समय आइए और अपने मनपसंद जो है सीड और सीड ट्रे यहां से ले जा सकते हैं। फिर इधर देख सकते हैं यहां का जो सेक्शन है ये है कटर का, तो अक्सर हम अपने गार्डन में जो काम करते हैं उसके लिए हमें टूल भी चाहिए, जैसे कटिंग करने के लिए या फिर मिट्टी खोदने के लिए, उस तरह के आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें जल्दी कोई नहीं आपको दिखाएगा। और यहाँ पे शावरिंग के लिए भी आपको सभी तरह के फुहारे देखने को मिलेंगे, ग्लव्स। तो आप अपने जो भी आपको अपने गार्डन के लिए अपने सामान चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको लगभग हमारे गार्डन में यूज होने वाले सारे तरह के सामान आपको मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छी प्राइस मुझे लगी है। मैं हर किसी की प्राइस नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में, तो आप अपने जो आपको चीज़ लेनी है अपने गार्डन के लिए तो वो यहाँ पे आए और ले जा सकते हैं। खुरपी देख सकते हैं और गार्डन में यूज होने वाले तरह तरह के जो टूल होते हैं वो आपको सब यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो सबसे ज़्यादा सर्दियों में यूज होने वाला बोन मील और ये नीम खली, ये आपको 30-30 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पैकेट देखने को मिल जाएंगे। अभी ये कुछ दिन पहले जब मैं आया था तो ये 20 रुपये था, अब इनके प्राइस बढ़ गए हर चीज़ के, तो 30 रुपये में आपको ये देखने को मिलेगा। और लगभग हमने यहाँ की वीडियो आपको पूरी दिखाई है और भी आपको कुछ चीज़ें दिखा देते, तो जैसे ये देखिए सब्ज़ी, तो आप यहाँ पे एक बार ज़रूर आइए और यहाँ पे देखिए। और यहाँ की नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाएंगे, यहाँ पे आपको लिली वैरायटी के सभी तरह के फ्लावरिंग बल्ब और ट्यूबर देखने को मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग हमने आपको सभी तरह की चीज़ें दिखाई हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना खूबसूरत प्लांट लगाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बताइए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम भविष्य में ऐसे ही
दुकानों पे जाके और आपके लिए सस्ते रेट पे कहाँ से गार्डनिंग का सामान मिलेगा हम आपको दिखा सकें। तो आप देख सकते हैं इस तरह का फुहारा आप लगा सकते हैं अपने टेरेस पे, जो चारों तरफ फुहारा जैसे बारिश होती उस तरह का लगता है। तो ये देख सकते हैं इनमें से एक ले जाने वाला हूँ मैं। और इधर देखिए, इधर है सीड जो कि इस समय लगा सकते हैं आप। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको सभी तरह के सीड मिल जाएंगे फ्लावरिंग के। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी आपसे मुलाकात होती है एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी बागवानी का भी ख्याल रखिए।